माय चैनल। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ मेरे सोलो राइड पे। और ये रहा मेरा हेलमेट और मैंने मेरे सारे गियर्स ले लिए हैं। मैं जा रही हूँ ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया की तरफ, जहाँ से मैं मेरी राइड शुरू करने जा रही हूँ। और वो राइड मैं शुरू करने वाली हूँ मेरे डीओ के साथ। मेरी डीओ मेरी मोपेड है जो मेरे साथ में रहेगी मेरे राइड में। मेरे पास में बाइक नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी धन्नो मेरे साथ में है, तो मेरे धन्नो के साथ में ही मैं जितना भी अभी राइड स्टार्ट करने वाली हूँ वो सारे मेरे मोपेड से यानी मेरे धन्नो के साथ में ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं जा रही हूँ नागपुर के सेंटर पॉइंट की तरफ, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वो सेंटर पॉइंट कहाँ से शुरू होता है। तो चलिए आइए। डेस्टिनेशन है वो मेरे ठीक पीछे है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरा से कि मैं कहाँ पे आई। तो मैं आई हूँ 0 माइलस्टोन पे, और ये रहा स्टैंड स्टोन इसको कहते हैं। ये ठीक मेरे सामने है, आप देख सकते हैं इसको। मैं इसको जूम करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इसका मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, पहले देख लीजिए आप। और ठीक मेरे सामने ये चौक है, भैया फोटोग्राफर है, ये भी फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे महाराष्ट्र टूरिज्म 0 माइलस्टोन का यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है इन लोगों ने, पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से ही सारा डिस्टेंस आपको पता चलता है। और ठीक मेरे सामने ही ये रहा एक पत्थर जिसके ऊपर NH7 यहाँ पे सब डिस्टेंस दिए गए हुए हैं। कन्याकुमारी 1600 किलोमीटर, हैदराबाद 485 किलोमीटर्स, और ये रहा 0 माइल। यहाँ पे चौक है और ये मेट्रो का पुलिया, और यहाँ से ऐसा 0 माइलस्टोन दिखता है। तो इसकी ख़ास बात ये है, इसको क्यों 0 माइल सेंटर बोला गया है, क्योंकि नागपुर एग्जैक्टली एट द ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया है ये। और ये नागपुर का इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। ये बिल्ड हुआ था ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1907 में, और ये जो है ये ब्रिटिश लोगों ने इसको बिल्ड किया था। साथ ही साथ में ये एग्जैक्टली एकदम मिडल पॉइंट पे है इंडिया के। और साथ ही साथ में ये 0 माइल जो स्टैंड स्टोन है, इसके ही साइड बाय साइड आपको 4 हॉर्सेस मिलेंगे, इसको स्टुको हॉर्सेस भी कहते हैं। देख सकते हैं आप ये 4 स्टुको हॉर्सेस यहाँ पे 0 माइलस्टोन के साइड में है। ये पहले नहीं थे, ये अभी अभी बनाए गए हैं, यानी पहले ये स्टैंड स्टोन पहले क्रिएट हुआ और उसके बाद में ये स्टुको 4 हॉर्सेस यहाँ पे आए हैं। और यहाँ से मैं करने जा रही हूँ मेरी सोलो राइड स्टार्ट, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ 0 माइल फ्रीडम पार्क, जो कि इसी के ऊपर नाम दिया गया है उस पार्क को। तो मैं अभी वहाँ जाती हूँ और मैं वहाँ जाके अभी एक्सप्लोर करती हूँ। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग आके फोटोज भी खिंचाते हैं, क्योंकि
यहाँ पे ये हिस्टोरिकल प्लेस है ऑफ कोर्स नागपुर का, तो यहाँ पे बहुत सारे जन आते हैं फोटो खिंचाने के लिए भी, यहाँ एक्सप्लोर करते हैं लोग। और मैं आपको बोर्ड के पास में थोड़ा लेके जाती हूँ। और ये देखिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारे डिस्टेंस दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री है 0 माइलस्टोन की। और ठीक मेरे ऊपर है 0 माइल स्टेशन, मेट्रो स्टेशन ऊपर। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होने वाली है, यहाँ पे लग्जरियस होटल्स यहाँ पे बनाने का ये सोच रहे हैं, लग्जरियस प्लेस यहाँ बनाने का सोच रहे हैं। तो मैं अभी पहले इसको क्रॉस करती हूँ रोड को, उस साइड जाती हूँ, सेफली रोड क्रॉस करना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रिकल बस नागपुर में जो अभी बहुत ज़्यादा शुरू है। और ये रहा मेरे सामने महामेट्रो 0 माइल फ्रीडम पार्क, ये लिखा है हिंदी में, मैं अभी यहाँ से जाऊँगी। यहाँ से एंटर होते हैं और ये पहुंची मैं 0 माइल फ्रीडम पार्क के पास में। यहाँ से मैं अभी जा रही हूँ, मैं कभी यहाँ आई नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे दिया है इन्होंने, वॉल हिस्ट्री है, यहाँ पे मीट माहिती केंद्र है, एम्फीथिएटर है, वाटर केस कार्ड है, वॉर ट्रॉफी भी यहाँ इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे क्या है तो ये बता रहे हैं पहले। और ये इसके बैक साइड में ऐसा कुछ लिखा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये छोटा सा मिनी पार्क। तो मैं पहले ये साइड एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, वहाँ से भी एंट्री थी शायद। हाँ भैया, एंट्री करनी है। तो यहाँ पे भैया बैठे हैं और यहाँ पे हाँ ये भी कुछ बोल रहे हैं। यहाँ से है 0 माइल का एंट्री जहाँ से मेट्रो के लिए जाते हैं, बट यहाँ पे मुझे नहीं जाना है फिलहाल, मैं चली यहाँ पे। यहाँ से भी एक एंट्री है बट मैं वहाँ से आई हूँ। और यहाँ पे इन्होंने पहले दिया है वॉर ट्रॉफी, और वॉर ट्रॉफी इन्होंने ये दिया है, देख सकते हो आप, ये रियल है, दिस इज नॉट फेक, दिस इज रियल। इंडियन आर्मी ने दिया है ये गिफ्ट महामेट्रो को। यहाँ से मैं आई थी और ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे मिनी गार्डन टाइप, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। मैं पूरा इसका एक राउंड मार लेती हूँ तो ये मुझे भी समझेगा कैसा है। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दिए हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा में। तो यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री दी है और नागपुर का 0 माइल ये हिंदी में दिया है,
और जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती है तो उनके लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। हिस्ट्रीज यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे से कवर अप किया है, वॉल्स पे सब लिखा है, जैसे ये सब हिंदी में लिखा है और ऐसी सारी वॉल्स पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है पूरा। ये तो रहा हिंदी का, मैं दिखाती हूँ आगे, वो इंग्लिश में है, देखिए। ये रहा हिंदी में और यहाँ से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, जो पूरा इन्होंने पिलर्स वॉल्स पे लिखा हुआ है। 0 माइल पिलर के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन है, ओरिजिन ऑफ नागपुर सिटी कैसे हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, सीताबर्डी फोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है नागपुर में उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, विथ पेंटिंग भी है यहाँ। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन नागपुर में क्या क्या हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ था, वो यहाँ पे सब दिया गया हुआ है। देन इम्पॉर्टेंस इवेंट अगेन और जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे दिया गया हुआ है। अभी मैं सामने का एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। तो और भी यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ गार्डन टाइप है और मैं सामने जाती हूँ, सामने भी मुझे एक्सप्लोर करना है। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा खास लगा वो लगा है ये वॉर टैंकर जो इंडियन आर्मी ने गिफ्ट किया है महामेट्रो को। इसकी हिस्ट्री बहुत कम ज़्यादा कम बहुत बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होगी। तो ये जो वाटर टैंक या वाटर टैंक नहीं सॉरी ये जो वॉर टैंकर ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है नागपुर को, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी कुछ गिफ्ट दे रहा है तो भाई सल्यूट, महामेट्रो के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये मैं यहाँ से आई थी और ये जा रही है महामेट्रो की रेल ऊपर से पूरा पुल, और ठीक मेरे सामने ये 0 माइल से जाता है। और यहाँ पे मैं अगर जाती हूँ तो ये महामेट्रो ने ये रहा नागपुर मेट्रो का हैशटैग महामेट्रो नागपुर मेट्रो। और मैं इसको आपको अंदर से दिखा देती हूँ महामेट्रो का, जो इन्होंने यहाँ डब्बा रखा हुआ है। यहाँ पे शाम को शायद फाउंटेन शुरू होता होगा, आई थिंक सो। हाँ हाँ, यहाँ पे पानी तो नहीं है पर यहाँ पे फाउंटेन शुरू होता होगा। और ये मैं अंदर जा रही हूँ, तो ऐसा कुछ दिखता होगा महामेट्रो अंदर से। 21वीं शताब्दी के नागपुर शहर की शुरुआत इस मेट्रो के माध्यम से हो रही है। यहाँ पे टीवी लगाया है इन्होंने, यहाँ सारा महामेट्रो के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये आ गए हम सामने इंजन की यहाँ पे, कुछ ऐसा स्पीड की इसकी इसमें दिखाता है, ये बटन्स है सारे उसके, ये इंजन ही बोलेंगे हम, पूरा ये इंजन है, इंजन का डब्बा।
भैया आप इधर के हो क्या? इधर के हो आप? कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? क्या पूछना था? आप ये क्या है, यहाँ पे क्यों रखा है, आप कुछ बता सकते हो? बताइए ना थोड़ा सा। नागपुर मेट्रो का माहिती केंद्र है, यहाँ पे नागपुर मेट्रो की जानकारी दी जाती है। नागपुर मेट्रो के कुछ वीडियोस डले हुए हैं यहाँ पर और पढ़ने के लिए ब्रोशर्स है। अच्छा, तो इसी के लिए यहाँ पे रखा है। लोगों को जानकारी के लिए। जानकारी के लिए माँ मेरे मेट्रो के मेट्रो की माहिती। ओके, माहिती के लिए। ओके, तो ये माहिती केंद्र है और यहाँ पे ब्रोशर्स भी इन्होंने रखे हुए हैं मेट्रो की जानकारी के लिए। तो जैसे कि अभी भैया ने बताया और जैसे हम मैं जा रही बाहर अभी, जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था कि माहिती केंद्र, तो ये है 0 माइल का फ्रीडम पार्क का माहिती केंद्र। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेट्रो की, महा मेट्रो की सारी मिल जाएगी। और यहाँ पे भी एक, हाँ एक, तो ये भी एक छोटा सा पार्क सवानी है, इसको एम्फीथिएटर बोलते हैं हम, जहाँ पे ऑडियंस, यहाँ पे ये स्टेज है, फॉर एग्जांपल ये स्टेज है और ये चढ़ी मैं स्टेज के ऊपर, ये है स्टेज और यहाँ पे सारे ऑडियंस बैठते हैं, तो इसको एम्फीथिएटर कहा जाता है। तो ये माहिती केंद्र हो गया और उसी के साइड में है ये एम्फीथिएटर। जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे सारे ऑडियंस बैठती है, अगर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम रहा तो हम प्रोग्राम ले सकते हैं। मैं यहाँ से जाती हूँ, ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबी है, ये है इसकी सीढ़ियाँ और ऐसा कुछ दिखता है ये। तो जैसे कि अभी ये हो गया एंट्री जहाँ से मैं आई थी। तो ये था 0 माइल का फ्रीडम पार्क, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई थी और मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रही थी ये जगह। और जैसे कि मैं जैसे एंटर कर रही थी और ये आपको दिखा मेरे साइड में, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है, हिस्ट्री वॉल देख लिया मैंने, मैंने माहिती केंद्र भी देख लिया, मैंने वॉर ट्रॉफी जो दिया था इंडियन आर्मी ने महामेट्रो को वो तक दे दिया, देख लिया मैंने, मैंने आपको एम्फीथिएटर भी दिखा दिया और यहाँ पे जो जो है, जो जो यहाँ पे लिखा है वो मैंने सब आपको दिखा दिया, स्टेशन एंट्री भी मैंने आपको दिखा दिया। ये रही मेरे साइड में स्टेशन एंट्री, ओके माहिती केंद्र, और ये एग्जिट उस साइड से है, एग्जिट उस साइड से होता है। तो ऐसा कुछ मेरा बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी थोड़ा सा बैठती हूँ, चिल करती हूँ। और ये देखिए, जैसे मैंने बोला कि ये है महा मेट्रो, यानी मेट्रो स्टेशन का एंट्री, यहाँ से एंट्री होती है। मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ब्लॉक करके ये वाला, क्योंकि यहाँ पे भी मैं फर्स्ट टाइम आई थी। ये चेयर्स है यहाँ पे दिए हुए, तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ और थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ यहाँ पे कुछ देर।